इसमें सारा कुछ है, इसमें मेमोरी कार्ड लगा लो कौन सा भी, 32 64 जितना भी, इसकी फोटो क्वालिटी और इसकी चार्जर ये रहा, बैटरी ये रही। हेलो गाइस, आई एम योर स्ट्रीट बॉय बैक इट अगेन विद द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे और आज मैं जाने वाला हूँ दोबारा से दिल्ली के चोर बाजार में। जी हाँ, दिल्ली के चोर बाजार में। और वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को वहाँ की मार्केट दिखाऊंगा, वहाँ का प्राइस दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। और इस बार मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे ज़्यादा मैं फोकस इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों पर करूँगा, क्योंकि पिछली बार मैं वहाँ जब गया था तो मैंने आपको कपड़े वगैरह जूते बहुत चीज़ें दिखाई थी। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें दिखाऊँ। तो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं चोर बाजार के अंदर और आप लोगों से वहीं मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को लैपटॉप मिल जाएंगे। भाई ये कितने का? ये 6,500 का मिल जाएगा। और ये 5,500 रुपये का मिल जाएगा। और ये 7,000 रुपये का मिलेगा सोनी का। ये 7,000 रुपये का मिलेगा। और भाई यहाँ पे रेट भी कम लग जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो अभी मेन रेट है वो ये है। आप यहाँ से लेना चाहो तो कम भी हो जाएगा। चेक करा के दोगे भाई? तो भाई चेक करा के मिल जाएंगे, आपने अगर रेट देख लिया तो बार्गेन भी हो जाएगी। और कभी आओ तो इन मलिक साहब पे जरूर आना, शक्ल देख लो भाई की। कितने का डीवीडी? ये प्लेयर कितने का? 800। चेक करा के, चेक करा के बाबू, जाके दुकान पे चेक कर लेना। ये कितने का है? फ्रीजी है, फ्रीजी है। बता दो क्या? एकदम 550। अरे फोन का देख, ओरिजिनल चेक है, देख लिया बस। सही है फोन, कितने का ही है? चालू ही है, जोड़े ही आजकल जोड़े चालू है, सेट आते हैं ना। कितने का है? 400 कितने कितने के हो रहे? नहीं है वाले में, नहीं कितने कितने के? 400 की जोड़ी बजा के दिखाने एक बार। गलत पैसे मांग रहा, क्या देगा? तो भाई यहाँ पर लैपटॉप कैमरा वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को। ये वाला कैमरा कितने का भैया? 60,000 रुपए, 12,000 रुपए। ये कितना रुपए? ये 7,000 रुपए। ये वाला कितने का? कैनन का? बारह हजार। वैसे 12,000 रुपए का मिल जाएगा कैनन का, यहाँ से मिलेगा 12,000 रुपए का। वैसे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ प्रेस वगैरह मिक्सी वगैरह मिल जाएगी, ये देख सकते हो भाई। कितने की बता रहे हो? 1500। कितने की बता रहे हो? 1,000 रुपये। और जो JBL है 1,000। भाई चालू कर फोन, कौन सी कंपनी का? JBL का। तो गाइस, अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे वॉच रखी हुई हैं, कैमरे रखे हुए हैं। और ये सामने की तरफ प्ले स्टेशन रखा हुआ है, जिसका प्राइस यहाँ पे 3,000 रुपये बताया गया था। तो गाइस, उनमें से फिर मैंने एक कैमरा उठाया और जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका प्राइस इन्होंने 1500 रुपये बताया था, लेकिन ये कैमरे बंद पड़े थे। 2-3 मैंने और चेक करे, वो भी बंद थे। चालू है। कितने का? 5,000 का कैमरा वगैरह चालू है आंटी, चालू है कैमरा, चालू है। ये कितने का? ये ले लो 2500 का, चालू है। कितने का भाई? कितने का? 1200। इसके चार्जर के अंदर बैटरी, ये वाला कितने का बता रहे हो? चार्जर है,
7000 इसमें सारा कुछ है, इसमें मेमोरी कार्ड लगा लो कौन सा भी 32 64 जितना भी, इसकी फोटो क्वालिटी और इसके चार्जर ये रहा, बैटरी ये रही। कैमरे कितने के? कैमरे ये वाला कितने का? ये वाला कैमरा बैटरी नहीं इसमें, इनमें भी नहीं है टैब वगैरह में। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा, मैं उस मार्केट के अंदर गया और मैंने कोशिश करी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें दिखाने की, क्योंकि मैं पिछली बार भी उस मार्केट में गया था लेकिन मैंने आप लोगों को कपड़े वगैरह बहुत चीज़ें दिखा दी थी। इस बार मैंने कोशिश करी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दिखाने की, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, LCD एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मेरा मानना यही है कि उस वहाँ की ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो फेक होती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें फेक होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों से दूर रहें। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें वहाँ की फेक होती हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी है वहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 की 10 फेक होंगी, भाई उसमें से दो सही भी होंगी, लेकिन वो ढूंढने वाला होना चाहिए। तो ये तो हो गई वहाँ के प्रोडक्ट की बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वहाँ पर भाई बार्गेन भी आप कर सकते हो, बस बार्गेन करने वाला होना चाहिए। उसका मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देके बताऊँगा। मैं वहाँ पर गया था तो मुझे एक बंदा मिला चलते फिरते, उसने मुझे बोला भाई कि वो लेगा पावर बैंक, मुझे पावर बैंक की नीड भी थी, तो मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए। तो वो बोल रहा भाई कि ये वाला है ओप्पो का पावर बैंक है, जो हम माल वगैरह में से कार्टून वगैरह में से निकाल लेते हैं, ओरिजिनल है। अब मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है या लोकल है, लेकिन उन्होंने मुझे ये दिखाया। मैंने कहा ठीक है मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे नीड थी, मैं ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ, मुझे इसकी नीड थी। मैंने पूछा भाई प्राइस कितना होगा इसका, कह रहा भाई 1200 रुपये। मैंने कहा भाई 300 रुपये पड़े मेरे पास, 300 रुपये दूंगा। कह रहा भाई ऐसा है 900 रुपये दे दियो। मैंने कहा 300 पड़े, कह रहा चल तेरी ना मेरी 500 दे दियो। मैंने कहा भाई 300 ही है मेरे पास, देना है तो बात करो ना रहने देख। फिर कहने का चल जा, मैं जाने लगा। फिर कह रहा इधर आ 400 दे दियो लास्ट। मैंने कहा 300 350 पे आ गया। मैंने कहा भाई 300 ही दूंगा, कह रहा चल ठीक है ला। तो भाई आपने देखा कि उसने 1200 की चीज़ 1200 से उन्होंने स्टार्ट करी, मुझे 300 रुपये की दे दी। मतलब मैंने बार्गेन करा और मुझे अब भी लगता है कि मैंने थोड़े ज़्यादा में ले लिया। अब मुझे सही बताओ उसकी नॉलेज नहीं है असली या नकली है, लेकिन आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ लेने जाओ तो उसकी नॉलेज लेके जाना। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने एक और चीज़ वहाँ से परचेज करी, जो ये डंबल, ये आप देख पा रहे हो गई, एक्चुअली मेरे दोस्त ने मंगाए थे ये 500 रुपये के, मुझे पेयर पड़े ठीक है, जिसका मुझे 600 रुपये प्राइस बताया था, तो मैंने 500 रुपये का लगवाया। तीसरा फिर जो मैं वहाँ से परचेज करके लाया वो थी ये रेजिस्टेंस केबल, ये आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगी जो जिम लवर होंगे, ये मुझे 200 रुपये का बताया था, जो मैंने उसको बार्गेन करके मैंने 150 रुपये का वहाँ से लगवाया। ये जिम वगैरह में यूज़ में आती है बॉडी पंप के लिए, तो ये मुझे वहाँ से 150 रुपये की पड़ी। तो मतलब इस हिसाब का वहाँ पर बार्गेन होता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ में बहुत ज़्यादा बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत महंगा बताते हैं। तो इस हिसाब की वहाँ पर बार्गेन होती है, आधे से भी ज़्यादा रेट की वहाँ पर बार्गेन होती है। अगर बार्गेन करने वाला होना चाहिए, आप किसी भी प्रोडक्ट पे कर सकते हो आधे से ज़्यादा, इस हिसाब का तो वहाँ पे बार्गेन होता है। ये था मेरा कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस। आई होप यू आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। बाय।